सभी को मेरा प्यार भरा पहला अगर नमस्कार। मैं रोशनी आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर कर लेते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मैं ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ। सुबह से मुझे टाइम नहीं हुआ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई सुबह से। और आज है कि स्पेशल डे, मैं आप लोग को बता देती हूँ कौन सा स्पेशल डे है। आज है मेरे भैया और बहूरानी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। तो उनकी शादी को 1 साल कंप्लीट हो गया है आज 19 अप्रैल को। पिछली बार 12 अप्रैल को मेरी बहू का बर्थडे था, आज 19 अप्रैल को भैया और बहू दोनों की मैरिज, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है उनकी शादी को, तो हम लोग आज कर रहे हैं सेलिब्रेट। मुझे जाना था मायका, हम सभी को मायके जाना था लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि उधर जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना शाम के टाइम पे, और बच्चों का भी हो जाता है, होमवर्क होता है और भूमि की कोचिंग होती है और काफ़ी लेट तक चलती है, तो उसके वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऊपर नीचे जाने में। तो हम नहीं गए, मैंने मम्मी बहू और भैया को यहीं बुला लिया। पापा तो नहीं आए हैं अभी घर, अभी पापा को छुट्टी नहीं मिली इसकी वजह से नहीं आए हैं। तो मम्मी बहू और भैया तीनों यहीं आ जाएंगे। अभी बहू लोग तो नहीं आए क्योंकि वो कॉलेज गए हैं और भाई ड्यूटी गया हुआ है, तो मम्मी आ गई है यहाँ पर। वो दोनों कॉलेज और ड्यूटी से डायरेक्ट यहीं आ जाएंगे, तो फिर शाम को हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे से। और जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और एक चीज़ और आपको बतानी है कि हमारे घर पे कौन आए हैं, और वो आ गए थे कल रात को, तो मैं उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन आए हैं, और बताती क्या हूँ, सीधे दिखाई देती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन आए हैं। तो चलिए फिर। तो देखिए गाइस, ये आए हैं घर मेरे फौजी साहब, आ गए हैं छुट्टी काफ़ी टाइम बाद, 2-3 महीनों बाद ये छुट्टी आए और हम लोग 2-3 महीनों बाद ही मिले। और ये आए हैं 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने तक ये घर ही पे रहेंगे फिर चले जाएंंगे ड्यूटी पे। तो मेरे दोस्तों को हाय तो बोल दो। अब ये चला रहे हैं फोन और ये जाएंगे अभी भूमि को कोचिंग छोड़ने। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है सिलाई, आज मेरी देवरानी बना रही है मेरे लिए सूट और अपने लिए भी बना रही है, इसीलिए सिलाई कर रही है ये बैठ के यहाँ पे। तो क्या बोलना चाहोगे आप आज? आज मेरी देवरानी कुछ नहीं बोलना चाहती, उसका पूरा का पूरा ध्यान सिलाई में है। और यहाँ पर है मम्मी, आज मम्मी के बेटे और बहू की एनिवर्सरी है, तो क्या बोलना चाहोगे मम्मी? आज मेरे भाई एनिवर्सरी बहुत दुआ दी, और उनकी जोड़ी को हमेशा बनाए रखे भगवान, यही दुआएं है। तो मम्मी यही कहना चाह रही हैं। और यहाँ पर है भूमि श्री, अब इनकी कोचिंग की तैयारी हो गई है, ये कोचिंग जाने के लिए रेडी हो रही हैं। तो दोस्तों मैंने मिला दिया है आपको फौजी साहब से भी, मम्मी से भी, देवरानी से भी। देवरानी कर रही है अभी सिलाई और फौजी साहब बैठे हैं और मम्मी भी ऐसी बैठी है। तो अभी भैया लोग और बहूरानी आएंगी, तब हम थोड़ा डेकोरेशन भी करेंगे और एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी भी करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है अभी शाम का मौसम। तो चलिए फिर मौसम देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों अभी चल रही है एनिवर्सरी की डेकोरेशन। तो देखिए डेकोरेशन कौन कौन कर रहे हैं, वो भैया हैं और ये मम्मी हैं और वो मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ पर एक महारानी खड़ी है। महारानी हुई घर की। और यहाँ पर है मेरी क्यूटी सी बेटी जो अपने मामा मामी की एनिवर्सरी के लिए हो चुकी है रेडी। तो अभी चल रही है डेकोरेशन और किचन में बन रहा है खाना, तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्या बन रहा है। तो तब तक मैं कर लेते हैं डेकोरेशन।
यहाँ ऐसे चल रही है डेकोरेशन। हैप्पी एनिवर्सरी, कोई हमारे पास वॉल खाली नहीं थी तो तभी इसकी वजह से इस एलईडी पैनल के ऊपर ही, क्योंकि अभी एलईडी नहीं लगी है तो इसीलिए उसी के ऊपर ही हैप्पी एनिवर्सरी वाला टैग लगा दिया। और इनकी है एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, हो चुकी है पूरी डेकोरेशन कंप्लीट। तो कुछ ऐसा डेकोरेट किया है इन लोगों ने मिलके। तो दोस्तों होने लग गई है अभी केक कटिंग की तैयारी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मम्मी है और ये है मेरी प्यारी सी बहू रानी जिसकी एनिवर्सरी है, और यहाँ पर केक लग चुका है और ये मम्मी है। तो केक कटिंग की तैयारी चल रखी है अभी। ये मेरा भाई खा रहा है यहाँ पे।
अनबॉक्सिंग ये दिया है मम्मी ने अपनी बहुरानी को गिफ्ट। इसके अंदर देखते हैं क्या जो है। ये है गोल्ड की इयररिंग तो मम्मी ने अपनी बहुरानी के लिए बना रखे हैं। थैंक यू मम्मी। अब दूसरा गिफ्ट खोला जा रहा है देवर जी और देवरानी जी का। मेरा फैमिली का। ये है देवर जी और देवरानी जी की तरफ से गिफ्ट एक दूसरे को। अभी तो कर लो और वाली दिखो। ये देखो हबीब भाई। अब ऐसे खोलो। ऐसे मुझे तो